नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी के पीईटी के इस विशेष कक्षा कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि अनवरत इस चैनल पर पीईटी के एग्जाम के लिए कक्षाएं अपलोड की जा रही हैं, आप लोगों के बेहतरी के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जैन और बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म के संदर्भ में। यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में पूछे ही पूछे जाते हैं, और चूंकि आपके इस सिलेबस में जो है ये टॉपिक निश्चित किया गया है, तो यहाँ से एक सवाल आपका पूछा जाना लगभग जो है तय माना जा रहा है। तो हम जैन धर्म के बारे में जो है आज के इस लेक्चर में चर्चा करेंगे, और यहाँ के जो है तीन चार बिंदु हैं, विषय हैं, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके माध्यम से जैन दर्शन को जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है हम लोग पृष्ठभूमि विशेषताएं जैन धर्म तीर्थंकर शिक्षा दर्शन प्रचार संप्रदाय सभा साहित्य। इतने टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जैन दर्शन या जैन धर्म को यहां पर समझने का जो प्रयास करेंगे। बेसिकली जैन दर्शन या जैन धर्म दोनों ही बातें आती हैं। धर्म वास्तव में दो प्रकार की चीजों की व्याख्या करता है, और दो तरीके से धर्म की व्याख्या किया जाता है। एक तो हम अतीन्द्रिय विषयों के संदर्भ में देखते हैं, और दूसरा व्यवहारिक संदर्भ में देखते हैं। जब हम व्यवहारिक संदर्भ में धर्म को देखते हैं, तो धर्म का तात्पर्य धारण करना होता है, यानी कि व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए जिन भी प्रकार के प्रवृत्तियों को, जिन भी प्रकार के नियम अनुशासन और परंपराओं को अपनाता है, उसका समुच्चय ही जो है धर्म कहलाता है। यह एक व्यवहारिक संदर्भ होता है। लेकिन जब हम क्लासिकल या इसे कहा जाए कि प्रतिष्ठित दर्शन शास्त्र में देखते हैं, तो धर्म का तात्पर्य यहां पर जो है अतीन्द्रिय सत्ता या अंतिम सत्ता के प्रति व्यक्ति की निष्ठा के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो मूलतः जीवन जगत और ईश्वर या आत्मा के संदर्भ में बात करने का प्रयास करता है। तो चूंकि जो जैन या जो बौद्ध है, एक स्कूल है, जो विचारधारा है, वो मूलतः व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में ज्यादा बात करता है, इसीलिए जो है यहां पर इसे कभी कभी धर्म न होने का भी आरोप लगाया जाता है, क्योंकि यहां पर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है। आत्मा जैसे विषयों में जो है यहाँ पे ज्यादा बातें नहीं कही गई हैं, बल्कि उसके व्यवहारिक पक्ष और पहलू को जो है समेटने और देखने का जो प्रयास किया गया है। लेकिन इसके लिए जो दोनों ही शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, जैन दर्शन और जैन धर्म, दोनों की ही बातें कही जाती हैं जो है। तो ये थी जैन, चूंकि जो टाइटल लिखा गया है जैन दर्शन और जैन धर्म दोनों लिखा गया, इसलिए थोड़ा सा इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया, उसके कारण को समझने का प्रयास कर लिया। धर्म को दो रूपों में जो है देखने का प्रयास किया जाता है, एक व्यवहारिक अर्थ में और एक जो है अंतिम सत्ता के प्रति निष्ठा के रूप में जो है। दूसरी बात, यहाँ पे पृष्ठभूमि है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो है उत्तर भारत में देखा जाए तो कई ऐसे संप्रदाय उभर करके सामने आते हैं, जो लोगों के जो जीवन से जो है संबंधित थे, जीवन को व्याख्यायित करने का प्रयास कर रहे थे, और ये जो है उत्तर पूर्व से लेकर के जो है उत्तर भारत में जो है प्रचलित थे, या ये कहा जाए कि गंगा के जो है घाटी क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित थे, तो बेहतर होगा। इन्हीं संप्रदायों के बीच में जो सबसे लोकप्रिय संप्रदाय रहे वो थे जैन और बौद्ध। तो उसी के अंतर्गत हम लोग जैन का आज के इस लेक्चर में जो है चर्चा करेंगे। जैन और बौद्ध बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ विशेषताओं के साथ है, जैसा कि इन्होंने ईश्वर की सत्ता का जो है स्वीकार नहीं किया, ईश्वर की सत्ता को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, वैदिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, कर्मकांड को जो है इन्होंने स्वीकार नहीं किया,
ये सब विशेषताओं में भी आती है और यहां से सवाल भी पूछे जाते हैं। जाति प्रथा, जाति प्रथा इसे इन्होंने स्वीकार नहीं किया, जाति प्रथा को भी इनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। समानता पर इन्होंने बल दिया, समानता पर बल दिया, अहिंसा पर बल दिया और सभी के जो है मोक्ष की चर्चा की, सभी के मोक्ष। ये विशेषता, यहां से सीधे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो जिस भी प्रकार की परीक्षा हो वहां यहां से सवाल पूछे ही जाते हैं। ईश्वर की सत्ता को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, वैदिक व्यवस्था को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, कर्मकांड को स्वीकार नहीं किया, जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया, समानता का समर्थन किया, अहिंसा का समर्थन किया और सभी के लिए जो है ये बात कही कि सभी व्यक्ति जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इसके माध्यम से ये लोग मोक्ष को जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो की पॉइंट है, इसी के इर्द गिर्द बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो है शिक्षाएं घूमती हैं। तो ये व्यवस्था जो है पृष्ठभूमि जैन धर्म और जैन दर्शन तथा इनके जो है विशेषताओं पर आधारित थी, इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये मान के चलिए कि यहाँ से सवाल का आना तय है, तो इसलिए इस टॉपिक को विशेष रूप से जो है समझने और पढ़ने का प्रयास आप लोगों को करना होगा। तो ये विशेषताएं रही। अब विशेषताओं के बाद हम लोग जो है जैन धर्म को देखेंगे। जैन धर्म जो है, जैन और धर्म, जैन में जिन, जैन जो है वो जिन से मिला हुआ, जिन का मतलब क्या होता है विजेता और धर्म का मतलब धारण करना, जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया, तो इसका तात्पर्य शाब्दिक अर्थ यही होता है। और दूसरी तरफ इसमें कुछ और शब्द भी प्रयोग में लाए गए, जैसे तीर्थंकर, तीर्थंकर प्रयोग में लाया गया है और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ। तीर्थंकर का तीर्थ और तीर्थंकर जो है इसमें तीर्थ शब्द है और कर शब्द लगा हुआ। तीर्थ का तात्पर्य नियमों उपनियमों का समूह जो कि किसी भी व्यक्ति को इस भवसागर से बाहर निकालने का कार्य करता है, या ये कहा जाए कि नियमों या उपनियमों का समूह जो इस सांसारिक चक्र से व्यक्ति को बाहर निकालता है। और कर का मतलब जो है करने वाला। तो तीर्थंकर यहाँ पर 24 लोगों की जो चर्चा की गई है, 24 तीर्थंकर की जो बात यहाँ पे कही गई है, जिसमें प्रथम जो तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव और अरिष्टनेम को जो है, ये दो लोग थे जिनकी जो चर्चा ऋग्वेद में आई। ये भी सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में होता है, तो अरिष्टनेम और ऋषभ देव ये दो नाम है जिनका जो उल्लेख ऋग्वेद में होता है। निर्ग्रंथ का तात्पर्य जो बंधन रहित जो होता है, यहाँ के जो महात्मा होते हैं, जैन धर्म के जो ज्ञानी होते हैं, जो इनके नियमों का जो है अपने जीवन में पालन करते हैं और इसके तरीके से जो है बंधन से जो है मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ शब्द हैं जिसको भी जो है समझना आवश्यक है। यद्यपि इसमें 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन बाद के दो तीर्थंकर के बारे में, बाद के दो तीर्थंकर 23वें और 24वें की बात है, क्योंकि टोटल जो है 24 तीर्थंकर, टोटल जो है वो 24 तीर्थंकर की ही बात कही गई है, 24 तीर्थंकर की बात कही गई है। और इस 24 में 23वां और 24वां ये तीर्थंकर से सवाल भी परीक्षा में पूछा जाता है। और उसके पूर्व के तीर्थंकरों के बारे में ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ये ध्यान में रखना आप लोगों के लिए है कि प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव थे और उसके बाद अरिष्टनेम भी आए हैं बाद में, तो इन दोनों लोगों का नाम ऋग्वेद में उल्लेखित है। 23वां जो है वो पार्श्वनाथ थे, जो काशी के जो है राजा जो है अश्वसेन के पुत्र थे। तो यहां से सवाल ये पूछा जाता है इनका संबंध कहाँ पे है, या 23वें जो है, 23वें जो है तीर्थंकर कौन थे, तो ये दोनों से सवाल पूछे जाते हैं। तो इन दोनों से संबंधित जो सवाल हैं वो उसका उत्तर क्या होगा, वो पार्श्वनाथ होगा। ये 23वें कौन थे और इनका संबंध कहाँ से था, काशी से था। तो इतने से ही संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, बाकी अगला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी से ही सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, इवन कि महावीर स्वामी का जैन धर्म की स्थापना, उसके प्रचार प्रसार विकास में इतना योगदान था,
कि जैन धर्म का मतलब भी कहीं कहीं जो है महावीर स्वामी ही समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब सभी लोगों का योगदान था, उसके जो प्रथम तीर्थंकर थे वो भी दूसरे थे, ये 24वें तीर्थंकर के रूप में थे। तो महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है कि 540 ईसा पूर्व में जो है 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसवी पूर्व, जिसे बीसी कहा जाता है, 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम, वैशाली के कुंड ग्राम नामक स्थान पर हुआ। एग्जैक्ट ये सवाल भी पूछा जाता है, इसलिए यहां पर ध्यान में रखना आवश्यक है कि कुंड ग्राम वैशाली में जो है 540 बिफोर क्राइस्ट कुंड ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। 540 बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म के पूर्व, जिसे कहा जाता है। और बाद के जो है समय को एडी अन्ना डोमिनी, जो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब यह है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो एडी और बीसी का मतलब यहाँ पे इस बात को समझना, बिफोर क्राइस्ट और अन्ना डोमिनी के नाम से जाना जाता। 540 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे? वैशाली के कुंड ग्राम नामक स्थान पे। ये इनके जो इनका नाम जो था, महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था, वर्धमान बचपन का नाम था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, और जब अब हम गौतम बुद्ध का अध्ययन करेंगे तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, यानी कि जो इनके पिताजी का नाम था वही उनके बचपन का नाम था। तो इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है, त्रिशला और सिद्धार्थ। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी पत्नी का नाम जो है वहां पे यशोधरा था। तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, इनके पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था, और उनके पुत्री के बजाय पुत्र थे जिनका नाम राहुल था। तो इस तरीके से थोड़ा सा तुलना करके अगर आप लोग अध्ययन करते हैं तो बेसिकली वो आसानी से तैयार होता है दोनों चीज़ें जो हैं। तो यहाँ पे चीज़ें क्या निकल के आ रही, क्योंकि ये सब फैक्ट जो है वो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। इनका जन्म 540 बीसी बिफोर क्राइस्ट में हुआ था, इनके पिताजी का नाम जो है वो सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, इनकी पत्नी का नाम जो है वो यशोदा था, इनके पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी थी, और उन्हीं की शादी जो है जामिल या जामाली से जो है किया गया था, जो कि इनके द्वारा इनके जो है प्रथम शिष्य भी बने थे। ये भी सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। 30 वर्ष तक ये एक राजसी खानदान से थे, तो अपना जीवन यापन किए। 30 वर्ष की अवस्था में ये ज्ञान की खोज में जो है बाहर निकल गए, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको जो है जृम्भिक के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर, दोनों ही कठिन नाम है, जृम्भिक और ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त होता है, विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही इनको कैवल्य, जिन, अरहत या निर्ग्रंथ कहा गया। अरहत का मतलब जो होता है योग्यता या योग्य से, जैसे हम आज की डेट में अध्ययन करते हैं कि इस सेवा के लिए, सर्विस के लिए ये अर्हता है, तो वही वहाँ पे अरहत शब्द का भी प्रयोग किया गया है कि कैवल्य जिन या अरहत। जिन माने विजेता, कैवल्य माने भी मोक्ष की प्राप्ति, अरहत का मतलब हो गया कि जो विशेष ज्ञान या योग्यता रखता हो, और निर्ग्रंथ का मतलब बंधन रहित हो। अपने जीवन के कठिन परिश्रम, तपस्या, त्याग के कारण से ही इनको महावीर नाम जो है दिया गया, और ये महावीर स्वामी हो गए, जो है महावीर स्वामी हो गए, जिनका मूल नाम जो है वो वर्धमान था। इनका मूल नाम जो है वर्धमान या बचपन का नाम वर्धमान था, महावीर स्वामी यहाँ से ये बन गए। तो ये तो थी इनके जीवन यापन की बातें, और इनकी मृत्यु भी जो है 468 यानी कि 72 साल की उम्र में जो है ये 468 ईसा पूर्व में जो है इनका निधन हो गया, 468 ईसा पूर्व में। तो 72, 540 और 468, इनमें से अगर दो भी चीज पता है तो तीसरी चीज आज स्वयं जो है पता हो जाएगी, क्योंकि 540 में से अगर हम 72 घटाएंगे तो वो 468 ही बचता है, क्योंकि 540 में जो है इनका जन्म हुआ था। तो जैसे ये एक पॉइंट है यहाँ पे,
इसके बाद यहाँ से जो ये एक जो बिफोर क्राइस्ट है, तो ये 540 यहाँ पे जो है 540 हो गया, और इसके बाद घटता जाएगा 540 ईसा पूर्व, फिर 468 ईसा पूर्व में जो है ये 468 ईसा पूर्व में इनका जो है इनका निधन हो गया। तो ये 72 वर्ष की आयु बचती है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक आंकड़ा याद रहेगा, दो आंकड़ा, तो तीसरा आंकड़ा स्वयं आपको पता चल जाएगा। तो ये बातें जो है यहाँ पे होती हैं इनके जीवन यापन के संदर्भ में। इनके जीवन यापन के संदर्भ में ये बातें होती हैं। अब हम लोग इनके जो है शिक्षा के बारे में देखेंगे, शिक्षा के बारे में जो है देखेंगे। शिक्षा इसमें दो तरीके की बातें हैं, त्रिरत्न जिसे कहा गया है और पंच महाभारत। त्रिरत्न और पंच महाभारत, त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक चरित्र, ज्ञान आचरण, ज्ञान आचरण और चरित्र, ये तीनों आती हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक चरित्र, ये जो है त्रिरत्न के अंतर्गत जो है इन्हें शामिल किया जाता है। कि त्रिरत्न में कौन कौन से आते हैं, ये तीनों आते हैं। कई बार यहां से सवाल ये भी पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन नहीं आता, तो एक और चीज भी दे दिया जाएगा। तो जैसे समय का आजीविका दे दिया जाएगा, लेकिन जब हम ये अष्टांग मार्गों की चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म में, तो वहां पे होती है। अभी भी इसमें एक ट्रिक हम बता रहे हैं जो कि याद करने के लिए आवश्यक। पंच महाभारत में पांच चीजें हैं, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। ये पांच चीजें हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये पांच चीजें आती हैं पंच महाव्रत के अंतर्गत। ये पंच महाव्रत के अंतर्गत आती है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये पांच चीजें आती हैं और तीन चीजें, यानी कि ये जो तीन है और यहाँ पे ये पांच है, दोनों ही विषम संख्याएं हैं। लेकिन जब हम बौद्ध धर्म में जाते हैं तो वहां चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, यानी कि चार और आठ, ये दोनों क्या है, सम संख्याएं हैं। तो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ आपके अंदर होना जरूरी है। इसीलिए अध्ययन का जो एक पद्धति है, अध्ययन की जो एक उपागम के रूप में जाना जाता है, अप्रोच जिसको कहते हैं, वो ये होना चाहिए कि आप तुलनात्मक रूप से अपना अध्ययन जरूर कीजिए। क्योंकि तुलनात्मक रूप में जब अध्ययन आप करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो है आपको ये फायदा होगा कि आपको चीजें क्लियर होंगी, याद करने में आसानी होगी, आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा और कम समय में आप तैयारी कर पाएंगे। तो यहाँ त्रिरत्न है और पंच महाव्रत है, वहां चार आर्य सत्य हैं और अष्टांगिक मार्ग हैं। तो यहाँ पे दोनों विषम है, वहां पे दोनों जो है सम है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखना, यह इसकी शिक्षा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे सत्य, अहिंसा, अस्तेय का मतलब यहाँ पे होता है बिना किसी व्यक्ति के अनुमति के उसके वस्तु का धारण ना करना, अस्तेय कहलाता है। अगर किसी भी व्यक्ति के बिना अनुमति के आप किसी वस्तु का जो है धारण करते हैं, तो वो जो है इसका उल्लंघन माना जाता है। तो इसके कहने का मतलब बिना किसी व्यक्ति के अनुमति के किसी वस्तु को धारण मत कीजिए, वही अस्तेय। अपरिग्रह का मतलब व्यक्ति को जितनी जीवन जीने के लिए आवश्यकता है उससे ज्यादा वस्तुओं का ग्रहण या संग्रह न करना ही जो अपरिग्रह कहलाता है। और ब्रह्मचर्य ये चीजें कहलाती हैं कि संयमित जीवन जीना ही व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य है। आप अपने जो है व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बहुत ही संयमित रहिए, ये चीजें जो है ब्रह्मचर्य की श्रेणी में आती हैं। यहाँ पे एक और चीजें ध्यान में रखना है कि चार, ये जो यहाँ तक चार चीजें हैं वो पार्श्वनाथ के समय में थी, और ब्रह्मचर्य को जो है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो ये भी ध्यान में रखना आप लोगों के लिए जरूरी है। चार ये है जो है वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह पार्श्वनाथ के द्वारा, जो कि 23वें तीर्थंकर थे, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जिन्होंने ब्रह्मचर्य को इसमें पांचवें व्रत के रूप में जोड़ा है। तो ये जैन धर्म की जो है शिक्षा के रूप में जो है आती है। अब हम शिक्षा के बाद दर्शन को देखते हैं।
दर्शन दो तरीके से होता है, एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रवृत्तियां नियम और प्रणाली को अपनाना ही जो है दर्शन कहलाता है, ये जीवन दर्शन कहलाता है। लेकिन जब हम परंपरागत या प्रतिष्ठित या क्लासिकल फिलॉसफी की बात करते हैं तो वहां पे दर्शन के बारे में जो है वो ईश्वर जगत और जीवन के बारे में जो व्याख्या की जाती है वही दर्शन कहलाता है। तो हम यहाँ पर दर्शन की इन्हीं तीनों बिंदुओं को बहुत ही संक्षिप्त रूप में लेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। बस उतना ही, जैसे ईश्वर की सत्ता का इन्होंने खंडन कर ही दिया था जो कि दर्शन में जो चर्चा किया जाता है, इसी तरीके से जगत के बारे में ही इन्होंने कहा कि यही वास्तविक और सत्य है और यह कालचक्रों के आधार पर चक्रों में बटा हुआ है, काल के आधार पर यह चक्रों में बटा हुआ है। और इन्होंने जो है 24 चक्र की बात की है और 63 सलाधा की बात की है। सलाघा का मतलब यह होता है कि विशिष्ट प्रकार के जो है ज्ञान रखने वाले महात्माओं को जो है सलाधा कहा जाता है, जिसकी संख्या यहां पे 63 बताई गई है। तो यह बात हो गई जगत के बारे में कि जगत को ही इन्होंने सत्य और वास्तविक माना है। तीसरा है जो आत्मा, जिसे जीव कहा गया है यहां पे, जीव को ही इन्होंने कहा चेतन है और जिसमें जो है जीवन नहीं होता वो अचेतन या जड़ की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे आत्मा के लिए जो जीव शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे चेतन माना गया है। अब इनका दर्शन ये बताता है कि इस संसार में व्यक्ति बंधन ग्रस्त है, बंधन और बंधन का जो कारण है वो कर्म है और कर्म का जो कारण है वो अज्ञान है। ये तीनों चीजें हैं, ये सिस्टम में बनी हुई है और व्यक्ति अज्ञानता के कारण से ही जो है कर्म की तरफ उन्मुख होता है, जिसे ही यहां पे आश्रव शब्द कहा गया है। क्या कहा गया? आश्रव। अज्ञानता के कारण कर्म की तरफ जो उन्मुख होता है आश्रव होता है। जब वह जो है अज्ञानता के कारण इस कर्म से संयुक्त हो जाता है तब क्या हो जाता है? बंधन हो जाता है। और जब व्यक्ति अपने जो है ज्ञान के माध्यम से इस कर्म की तरफ अग्रसर होने से अपने आप को रोक लेता है तो वह जो है क्या कहलाता है? संवर। और जब पूर्व में संचित इस तरीके के कर्म का नाश होता है तो वह जो है क्या कहलाता है? निर्जरा। ये जो है यहां पे दर्शन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, संवर और निर्जरा। बंधन आश्रव, बंधन, संवर और निर्जरा, इसको जो है कहलाते हैं। ये जो है जैन धर्म के महत्वपूर्ण दर्शन की श्रेणी में आता है, जो कि ईश्वर यानी कि खंडन, जगत यानी कि वास्तविक एवं सत्य, जीव या आत्मा जिससे कि वो चेतन मानता है के बारे में बताया है और वर्तमान सांसारिक समस्या जो बंधन है उसके लिए उन्होंने कर्म को और कर्म के लिए अज्ञानता को मूल रूप से कारण माना है। आश्रव, बंधन, संवर और निर्जरा इसके लिए व्याख्या करता है और इसके माध्यम से यह चीज बताने का प्रयास करता है कि जैन दर्शन में क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है इनके ज्ञान और इनके जो है दर्शन के बारे में आप लोगों को जानकारी हो गई होगी। अब यहां पे प्रचार है, अगला पॉइंट जो है वो प्रचार है। अगर प्रचार से तात्पर्य इसका उद्भव भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाथी गुंफा, हाथी गुंफा अभिलेख में जो है यहां के प्राचीनतम साक्ष्य जैन दर्शन के प्राचीनतम साक्ष्य हाथी गुंफा अभिलेख में जो है प्राप्त होता है। कलिंग के नरेश खारवेल, जो कि माना जाता है कलिंग के शासकों को हरा करके उन्होंने जो है कलिंग पर जो है सत्ता स्थापित की, कलिंग नरेश खारवेल जो कि जैन धर्म के भी जो है समर्थक थे, इन्होंने उदयगिरी के पर्वत पर जो है इनसे संबंधित प्रचार प्रसार के लिए इनके जैन दर्शन के जो है महात्माओं के लिए आवास बनाया था उदयगिरी के जो है पहाड़ियों पर, उदयगिरी के पहाड़ियों पर जो बनाया था। किसने बनाया था? कलिंग नरेश खारवेल ने जो है उदयगिरी के पहाड़ियों पर जैन धर्म से संबंधित कलिंग के नरेश खारवेल के द्वारा पहाड़ियों पर जो है मठों को बनवाया गया था। और 10वीं शताब्दी में जो है आकर के गंग शासक राजमल चतुर्थ के सेनापति के द्वारा, जिसका नाम चामुंड राय था, उन्होंने
श्रवण बेलगोला है, ये कर्नाटक का एक स्थान है श्रवण बेलगोला, जहां पर बाहुबली जिन की जो है मूर्ति बनाई थी, जो कि 70 फीट ऊंची मूर्ति है, और इसे ही जो है गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है। तो यहां से भी सवाल परीक्षा में पूछा गया है कि 10वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक राजमल चतुर्थ के सेनापति चामुंडराय के द्वारा गोमतेश्वर जिसके नाम से जो प्रचलित था बाहुबल जिन की जो है 70 फीट ऊंची मूर्ति बनवाया था श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर। तो यहां से भी ये सवाल पूछे जाते हैं और ये इसके प्रारंभिक साक्ष्यों और विकास के रूप में आते हैं। प्रचार प्रसार के लिए जो है इन्होंने 11 जो है अनुयायियों का जो है एक संघ बनाया था जिन्हें गणधर के नाम से जाना जाता है, गणधर के नाम से जो जाना जाता है। और यही जो है इनके जीवन में इन्हीं के माध्यम से प्रचार प्रसार का कार्य किया जा रहा था, और दूसरी तरफ जो है प्रचार प्रसार का कार्य किया जा रहा था और दूसरी तरफ इनके मृत्यु के बाद जो है सुधर्मन या सुधर्मा व्यक्ति कहीं कहीं नाम इनका आता है, ये इस अध्यक्ष के जो है इस संघ के जो है अध्यक्ष हुए थे। गणधर किसे कहते हैं, अनुयायियों का जो समूह था उसमें अनुयायियों को जो है गणधर कहा जाता था, जिनके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता था। तो इसमें सुधर्मन जो है हुए थे। और एक और इसमें हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्ष का काल पड़ा और इसमें जो है स्थलबाहु और भद्रबाहु दो लोगों का नाम आता है। तो भद्रबाहु और प्लस जो है चंद्रगुप्त जो है दक्षिण भारत में चले गए, स्थलबाहु अपने अनुयायियों के साथ यहीं पर रह गए। तो जब ये वहां से वापस लौट करके आए तो ये भद्रबाहु के अनुयायियों और स्थलबाहु के अनुयायियों में आपस में ही जो है मतभेद हो गया। आपस में जब मतभेद हो गया तो 34 शताब्दी ईसा पूर्व में जो है वो बिहार में जो कि आधुनिक स्थान है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नामक स्थान पर इसका पहला धर्म सभा का आयोजन किया गया, जहां पे जो है ये दो भागों में बट गया, जिसे दिगंबर और श्वेतांबर कहा जाता है, जो कि स्थलबाहु के नेतृत्व में जो यहां पे थे वो श्वेतांबर कहलाए और जो भद्रबाहु के साथ में जो है दक्षिण भारत में गए थे वो दिगंबर के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरीके से दिगंबर और श्वेतांबर ये दो वर्गों में जो है ये सभा बट गई, इस सभा के माध्यम से ये धर्म दो संप्रदायों में बट गया और इसके माध्यम से जो है ये लोग प्रचार प्रसार करने लगे। तो यहाँ पे पहला जो था वो पाटलिपुत्र में हुआ था और दूसरा जो था वो बल्लभी में। ये दोनों से ही जो सवाल पूछे जाते हैं, ये पाटलिपुत्र से पूछा जाता है और दूसरा बल्लभी से पूछा जाता है। ये जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और ये 6वीं शताब्दी में, ये 6वीं सदी में हुआ था और ये पूर्व में हुआ था, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में और ये 6वीं शताब्दी में बल्लभी में हुआ था। यहाँ पे स्थलबाहु इसकी अध्यक्षता स्थलबाहु के द्वारा किया गया था और यहाँ पे क्षमा श्रवण या देवधि के नाम से जो एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो दो सभा हुआ था। अब यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, हम तुरंत जो है बौद्ध दर्शन में चलते हैं, वहां पे 4 सभाओं का आयोजन हुआ था, हम अगले लेक्चर में उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 जो है सभा हुआ था, वहां 4 सभा हुआ था। तो ये भी याद करने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण चीज है जिससे आप लोगों को जानकारी जो है मिलेगी। इसमें साहित्य को जो है आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये अर्धमागधी या जो है प्राकृत, अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में थी, अर्धमागधी या जो है प्राकृत भाषा में थे जैन साहित्य को क्या कहा गया है, आगम के नाम से जो जाना गया है। इनके प्रचार प्रसार के लिए जो जैन मठ बनाए गए थे उनको क्या कहा गया है, वर्षाद। ये सब शब्द हैं जिसके मतलब को जो जानना जरूरी है। जैन मठ जो है इसे जो है वर्षाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक और शब्द आता है संलेखना, संलेखना का शाब्दिक अर्थ है अपने जीवन में सच्चाई का ईमानदारी से लेखन करना। संलेखना विधि में व्यक्ति के द्वारा उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया जाता। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यह कहा जाता है कि दक्षिण भारत में जाके श्रवण बेलगोला में जो है संलेखना विधि के द्वारा अपना त्याग कर दिए थे। इसे जो है संथारा के नाम से भी जाना जाता है, संलेखना या संथारा बरसात को जो है जैन मठ के नाम से जाना जाता है। तो
आज के इस लेक्चर में हम लोग जैन धर्म या जैन दर्शन के जो है इन बिंदुओं के माध्यम से पृष्ठभूमि, उसकी विशेषताएं, प्रचार प्रसार और इसी तरीके से सभा सम्मेलन इत्यादि के माध्यम से जो समझने का प्रयास किया। तो ये टॉपिक आपके इसी परीक्षा के साथ साथ अन्य सभी परीक्षाओं के लिए जो समान रूप से जो उपयोगी और महत्वपूर्ण है, आप इसका अध्ययन कीजिए और इसके माध्यम से अपनी तैयारी को जो है मजबूती प्रदान कीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण हो और इससे आप परीक्षा में पूछे जाने सवालों को हल कर सकें। अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।